हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका सुनीताज केकरी एंड फूड्स में। आज लेके आई हूँ दोस्तों मैं आप सब लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसे हम लेमन राइस कहते हैं। ये साउथ इंडियन रेसिपी है दोस्तों। ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, इसे बच्चे बहुत प्यार से खाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे आज हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया, राई डाल दिया। अब इसमें हम चने का दाल डाल देते हैं कच्चा, और इसी में उड़द का दाल भी डाल देंगे। अब इसी में हम सिंगदाना डाल देते हैं। अब इसी में हम लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 सूखी लाल मिर्च ली हूँ, उसे इस तरह से तोड़ के इसमें डाल देती हूँ। और 2 हरी मिर्च कट करके इसमें हम डाल देंगे। अब इसी में हम कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें डाल दिए हैं, इन्हें हम अच्छे से भून लेते हैं। ये साउथ इंडियन रेसिपी है दोस्तों, बहुत ही सबको पसंद आती है और बहुत ही बढ़िया खाने में, बहुत टेस्ट इसका अच्छा होता है। तो यहाँ पे अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। इसे भी हम लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम चावल डाल देते हैं। ये बनाना बहुत ही ईजी है दोस्तों, फटाफट बन जाता है। अगर आप कहीं सफ़र पे भी जा रहे हैं, लंबे सफ़र पे, तो आप इस तरह से खट्टा चावल बना के लेके जा सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होता और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे अब हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारी चीज़ें इसमें हमने मिक्स कर ली है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं दोस्तों। अब इसमें बारी आती है वो चीज़ की, जिससे हमारे चावल का बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हम इसमें नींबू का रस डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। लीजिए दोस्तों, हमारा ये लेमन राइस बिल्कुल रेडी है। कितना बढ़िया लग रहा है। तो इस तरह से लेमन राइस आप घर पे बनाइए दोस्तों, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा और बड़े भी इसे बहुत प्यार से खाएंगे। तो इस तरह से लेमन राइस आज का हमारा रेडी है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ आपसे। नमस्ते।